देखो हम नया साग आपको दिखा रहे हैं। ताकत लगाना पड़ता है ना। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया ही होंगे बाबा मद्धमेश्वर जी की कृपा से। तो स्वागत है सभी लोगों का एक और नई ब्लॉग में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इन सुंदर पहाड़ों में तथा हमारे यूट्यूब चैनल मद्धमेश्वर घाटी चैनल में। तो मेरे दोस्तों, नाश्ता होने के बाद ये चाय चल रही है मेरी अभी, और चाय पीने के बाद अब चलता हूँ मैं नीचे अपने खेत में, और जहाँ पे हमारा कार्य हो रहा है वहाँ पे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को आज क्या क्या हम करने वाले हैं। तो चलो, आगे चाय पीने के बाद निकल रहा हूँ मैं और मिलते हैं नीचे खेत में, ठीक है? तो अब देखो हम नया साग आपको दिखा रहे हैं कैसा बनता है। छेमी जो होती है राजमा की दालें, तो जल्दीबाजी के लिए कुछ ऐसे बनाते हैं हमारे घरों में। घरवाले लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे भूनते हैं फिर पीस लेते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? आप देखते रहिए। ये पिसाई चल रही है हमारी, ये पत्थर है और ये लोड़ा, ये भी ऊपर से पत्थर का ये देखा। और जैसे ये हो रखे ना ऐसे ही, ये बीज थोड़ा सी आपको लग रहे होंगे भूरे भूरे टाइप के, और ये पहले हमने भूना इनको चूल्हे पे, उसके बाद ऐसी पिसाई होगी, फिर दालें तैयार होगी। हो गया ना, इतना मोटा मोटा है, बहुत बढ़िया स्वाद आता है नहीं? इससे सबसे बड़ी बात यह है कि गैस भी नहीं होता ना, पेट का गैस नहीं होगा भूनने के बाद। जैसे जिनके पेट फूलते हैं तो ये नहीं होता था। नमक भी ये जा रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट में पतीला ले करके। देखो आप, धान खाने से नशा हो गया तो मसाला भी खेल जाए। हाँ, कोई बात नहीं, नशा होगा ना, नशा बोलता है ना, बोले नशा होने दे मुझे, आज कल ठंड में ना भांग खाने से नशा भी होता है। खाली मौसम हुआ ना सर, क्या बनाना है? नमक, नमक, नमक बनाना है। सारी है ना, जैसा जैसे हम बनाएंगे नमक सब बताया जाएगा। ये क्या डाला? ये चोर है। अच्छा, नमक बन रहा है, पहाड़ी नमक। देखिए दोस्तों, हम बैठे हैं अभी अपने रूम की छत पे और दिन का टाइम हो चुका है लगभग लगभग 12 बज चुके हैं, और सुंदर पीछे देख रहे हैं आप हिमालय हिमशिखर केदारनाथ वैली की, और इस तरफ ये है मद्धमेश्वर वैली की। तो देखो, इसमें डाल रहे हैं हम अभी भांग के बीज, और ये क्या है? ये भांग, ये धनिया, ये सरसों। तो कुछ ऐसे ये तैयार कर दिया हमने नमक बनाने के लिए। ये देखो, हो गई पिसाई शुरू।
कवर। और इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत बढ़िया ढंग से। यहाँ पे देखो बेचारी सर धर के आ रही है ऊपर छत पे, नमक पीस रही है। खुश है तू हैं? हाँ। कैसी बना रहा हूँ मैं तेरी वीडियो? खुश तुम्हें मैं से टाइम निकाल निकाल के तेरी वीडियो बना रहा हूँ। अपना सारा धंधा छोड़ करके और इसकी वीडियो पर लगा हूँ। अब पुदीना, लहसुन पत्ता और तो पीसने खाली ताकत लगाना पड़ता है ना। मिक्स बस लेटा ला जो। अब दूसरे ढंग से बैठ गई है ये देखो, अब ताकत लगाएगी नीचे की तरफ है ना। वसन चेंज करने के बाद ताकत लग रही है? हाँ। है? पूरी काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। मैं पीसू क्या? तुम मन काल पीस है, तुम सब खान वसन मैं पीसना। ऐसी उल्टी बात करते हो। उल्टी बात भी कर दी है बहुत ज्यादा। ये क्या क्या है मिक्स? हल्दी हल्दी, ये धनिया धनिया, नमक। अब खुशबू छोड़ने लग गया है नमक हमारा, चोरे की खुशबू, लहसुन की, पुदीना की, बहुत सारे आइटम इसने इसमें डाल दिए हैं इस नमक में। तो दोस्तों मजा आने वाला है। अब इसको हम हर साग में यूज कर सकते हैं, हर नाश्ते में यूज कर सकते हैं। तो पहाड़ों में ऐसा नमक कुछ बनाया जाता है। ये तो मिक्सी में नहीं बनाते हम लोग, ये पत्थरों को ऐसे देखो, दोनों पत्थरों से बनता है। ये ऊपर का भी बता पत्थर कैसा हो, ये देख ले, ये है लोड़ा, ये सिलोटा, लेकिन सिलोटा उतना अच्छा नहीं है ना अभी है, शकल अच्छी नहीं है सिलोटा की। दस ग्यारह साल चला काम बने से। अच्छा, ऐसे पत्थर ने चलाया 10-11 साल का। अब और बढ़िया पत्थर बनाऊंगा मैं अपने नीचे घर में, बड़ा बड़ा सिलोटा लाऊंगा घर से, बढ़िया पत्थर, बड़ा वाला। तो प्यारे दोस्तों वीडियो एंड भी अपने ही रूम की छत से हो रही है और वीडियो एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, बाय बाय।